साथियों, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी जो डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे, यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वदर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक खास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए। इसमें जो एक खास चीज़, दूसरी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाले ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एम्युनिशन भी है।